हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो दोस्तों डिविडेंड भर भर के देती है। मिनिमम अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो कम से कम आपको 10-20% के आसपास में आपको डिविडेंड मिल जाएगा मिनिमम। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो दोस्तों आपको 50% तक डिविडेंड मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं आपको दिखाऊंगा, फुल डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये इसलिए ये वीडियो बनाना चाहता हूं दोस्तों क्योंकि देखिए शेयर मार्केट अप या डाउन होते रहता, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन अगर हम डिविडेंड वाले स्टॉक में पैसा लगाते हैं और ऐसे गिरते हुए मार्केट में, तो सोचिए आपको स्टॉक बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट तो मिलेगा, ठीक है, और ऊपर से डिविडेंड देगा उसका अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो सोचिए इस टाइम डिविडेंड वाले स्टॉक में सबसे अच्छा टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी कंपनी के बारे में तो ये है ग्रेफाइट इंडिया, स्टॉक का नाम आपके सामने है और स्टॉक कितने रुपीज़ का है, केवल 100 रुपीज़ के आसपास का। अगर इसका डिविडेंड देखिएगा कितना देता है दोस्तों, 50%, ठीक है, फेस वैल्यू पे। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, भाई खुल जा। तो ये देखिए दोस्तों कंपनी का नाम आपके सामने है ग्रेफाइट इंडिया, ठीक है, और ये स्मॉल कैप में है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर डिविडेंड के मामले में देख लेते हैं तो भाई कंपनी झोली फाड़ के डिविडेंड देती है 49%, मतलब 49% दोस्तों ये आपको डिविडेंड देगी। सोचिए फेस वैल्यू चाहे जो भी हो, इतना बड़ा आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी है। ऊपर से स्टॉक का प्राइस भी आपको गिरे हुए पे मिल रहा है, ठीक है। जब स्टॉक का प्राइस बाउंस बैक मारेगा तो ये तो आपको अलग से प्रॉफिट मिलेगा और डिविडेंड का इंटरेस्ट आपको अलग से। तो ऐसे ऐसे स्टॉक में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों जो आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देगा, और ये मैं बोल रहा हूं टॉप क्लास में है, इससे ज्यादा डिविडेंड देने वाला आपको कंपनी बहुत कम मिलेगा जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और दूसरा कंपनी देख सकते हैं दोस्तों, वो है HEG। ये कंपनी का भी डिविडेंड देख के आप मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे क्योंकि मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, आप जब फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो आपको कितना मिलता है, अराउंड आपको 5-10% के आसपास मिलता है। आप जब फिक्स डिपॉजिट करवाते हो 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो FD, आपको कितना मिलता है, आपको मिलता होगा 6-10% के आसपास, है कि नहीं, बात सही है ना। लेकिन दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो यहाँ पर आपको कम से कम, तो यहाँ पर देख सकते हैं 16%, सोचिए 16% आपको मिल रहा था, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। सोचिए 16% अगर आपको 6% कहीं पे देता है किसी बैंक में तो ये आपको डबल दे रहा है, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा दे रहा है। तो ऐसी कंपनी में आप अगर पैसा लगाओगे, वो भी किस टाइम में आपको पैसा लगाने बोल रहा हूँ, जिस टाइम स्टॉक का प्राइस आपको बहुत नीचे है, मतलब सोचिए स्टॉक कहाँ ट्रेड करता था और आज के डेट में आपको कहाँ मिल रहा है, इतना बड़ा फर्क, सोचिए मतलब आपको 50% डिस्काउंट से भी ज़्यादा नीचे में ही आपको स्टॉक मिल रहा है। अगर 52 वीक अगर हाई देखते हैं कंपनी का तो 2,198 रुपीज़ है, अगर 52 वीक लो देखते हैं तो कंपनी का 400 में, सोच सकते हैं कितनी बड़ी डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखी जा रही है, ठीक है। और तीसरा स्टॉक अगर हम देख लेते हैं दोस्तों, ये वीडियो का पर्पस है डिविडेंड वाले स्टॉक, मतलब डिविडेंड तो आपको मिलना ही मिलना है, अच्छा से अच्छा जो आपका डिविडेंड मिलना है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कितना डिविडेंड है, मैं आपको दोस्तों 10 ऐसे स्टॉक बता रहा हूँ, सकते हैं कि ये कंपनी आपको फ्री के बराबर मिल रही है, ठीक है। फ्री का मतलब अगर 52 वीक लो देखेंगे इस कंपनी का तो केवल 3 रुपया है, ठीक है, कितना, 3 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आपको डिविडेंड कितना दे रहा है दोस्तों, डिविडेंड दे रहा है आपको 31%, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी है भाई, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी आपको इसलिए खरीदना है क्योंकि इसका स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, स्टॉक का प्राइस का देख सकते हैं 52 वीक अगर हाई हम इसका देखते हैं तो दोस्तों 62 रुपीज़ है, 62 रुपीज़ के सामने 3 कुछ भी नहीं है, ठीक है, 60 रुपीज़ और 3 रुपीज़ में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों, आप देख सकते हो, अगर मल्टीप्लाई बाय करें तो बहुत बड़ी रकम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम एक तरह से देखें तो ये स्टॉक आपको फ्री के भाव पे मिल रहा है, 3 रुपीज़ का स्टॉक है, डिविडेंड आपको भर के देगी भाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंपनी आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो फिक्स डिपॉजिट तो आपको मतलब आपके माइंड से ही हटा देगा कि हाँ फिक्स डिपॉजिट भी करना चाहिए मुझे, इसके सामने यह नहीं करना चाहिए। कंपनी का नाम आप यहां पर देख सकते हो UFO, ठीक है, मूवीज़ इन इंडिया, ठीक है। इसका डिविडेंड देख सकते हो, ये भी अट्रैक्टिव है, अराउंड 21.32% के आसपास दोस्तों। और मैं जितने भी स्टॉक आपको अभी दिखा रहा हूँ ये इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर इसका मार्केट प्राइस से भी देखेंगे तो स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे स्टॉक में आप पैसा लगाते हो गिरते हुए मार्केट में तो यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डबल, अगर ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट मिले, अगर इनकम सोर्स ऑफ इनकम अगर 2 बन जाए हमारे तो और भी बेनिफिट आएगा। एक जगह से अगर आपको बेनिफिट आना रुक जाएगा तो दोस्तों दूसरा जगह से भी आपको जो है बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो
जो भी कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कंपनी भी देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिक्स है। प्राइवेट और पब्लिक का मतलब देखिए, अगर गवर्नमेंट की कंपनी है तो भाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने आपके सामने लाया REC, ये गवर्नमेंट की कंपनी है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है। और ये डिविडेंड कितना देता है, 25%, ठीक है, डिविडेंड देता है 25% गवर्नमेंट की कंपनी है। इसका 52 वीक अगर हाई देखेगा तो 169 मतलब 170 रुपये आपको मिल कितना रहा है, केवल 70 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ का आपको छूट दिया गया। अब बताइए ये गवर्नमेंट कंपनी है, क्या ये बंद हो सकती है, क्या ये डूब सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये डिविडेंड जाएगा किसके पैकेट में, किसके पैकेट में जाएगा, आप ही के पैकेट में जाएगा ना। तो ऐसे स्टॉक के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, और ऐसा बात नहीं है कि दोस्तों REC जो लिमिटेड है ये कंपनी खराब है, ऐसा बात नहीं है, कंपनी भी अच्छी है, आपको एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है, और आपको डिविडेंड के मामले में अगर आप देखो तो कंपनी भी आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रही है, ठीक है। तो ये जितने भी मैं आपको स्टॉक दिखा रहा हूं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, IOC हो चाहे जो भी हो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं IOC यहां नीचे है, ठीक है, यह देख लो दोस्तों, ऑयल इंडिया देख लो, कोई भी स्टॉक देख लो आपको छोटे छोटे प्राइस में मिल रहा है। लेकिन अगर आप डिविडेंड के मामले में देखोगे तो ये जो 10 स्टॉक मैंने आपके सामने बताया दोस्तों ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, ये कम से कम तो आपको दोस्तों 10% के डिविडेंड देंगे ही देंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपको 50% का रिटर्न भी दे सकते हैं, 50%। तो सोचिए जितना बड़ा डिविडेंड होगा उतना बड़ा रिटर्न होगा। और एक चीज़ तो आप याद रखिएगा, जितने भी करोड़पति अरबपति खरबपति लोग बने हैं शेयर मार्केट से, वो ऐसे नहीं बने हैं, मतलब कि मैं आपको बता देता, यहां पर देख लीजिए ये 100 रुपीज का स्टॉक है, ठीक है, अगर आपने इसको खरीदा 100 रुपीज में, केवल 100 रुपीज में आपने खरीदा, कल को ये 10,000 रुपया हो गया, ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 10,000 रुपीज़ हो गया। तो क्या आपको लगता है कि आप करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि दोस्तों जब तक कंपनी आपको डिविडेंड बोनस स्टॉक का स्प्लिट नहीं करती है तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। अगर देखेंगे शेयर मार्केट में मेन चीज़ क्या होता है, जो ज़्यादातर अहमियत रखती है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, तो सबसे पहला चीज़ है दोस्तों वो है डिविडेंड, दूसरा है बोनस, और तीसरा है स्टॉक स्प्लिट। ये बहुत तगड़ा चीज़ है दोस्तों, जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपका स्टॉक 10 से 20 होगा, वो तो होगा ही, लेकिन जब बोनस देगा तो आपका स्टॉक डबल कर देगा, और जब डिविडेंड देगा दोस्तों तो आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ा देगा। तो सोचिए ये तीन चीज़ मिल के अगर 100 रुपीज़ का आप अगर स्टॉक खरीदते हो, 100 रुपीज़ का अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो हो सकता है, अगर ये मान लीजिए कि 5,000 रुपीज़ भी हो गया, 5,000 रुपीज़, तो आप का जो है अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हैं करोड़ों में, ठीक है। तो अगर स्टॉक का प्राइस अगर 10,000 भी चला जाएगा विदाउट डिविडेंड बोनस तो आप कुछ भी नहीं कमा पाओगे, लेकिन डिविडेंड बोनस और स्टॉक स्प्लिट हो गया तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों, गिरते हुए मार्केट में अगर आप ऐसे स्टॉक पे ध्यान देते हो जो आपको बॉटम बनाने के टाइम आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे, तो मुझे लगता है ऐसे स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगा कि स्टॉक जो मैंने बताया वो वैल्यूएबल है, अच्छा है, तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा दोस्तों, और उन लोगों को भी शेयर कीजिएगा जो नए लोग हैं उनको भी पता चले अगर नए हैं तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से उनको थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।